जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी, आज का जो मेरा वीडियो है एसएसबी में आप लोगों की रिक्रूटमेंट निकल के आई थी 2023 में। 1600 प्लस आप लोगों की वैकेंसी थी। इसमें आप लोगों की एसएसबी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी थी। हेड कांस्टेबल में आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, स्टीवर्ड, वेटनरी और कम्युनिकेशन की वैकेंसी थी। जी हाँ, आप लोग के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं रिटर्न एग्जाम के लिए। यदि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर किया है तो आप लोग के रिटर्न एग्जाम के एडमिट कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोग के रिटर्न एग्जाम यहाँ पे 26-27 दिसंबर 2023 में ही होने वाले हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं उसका लिंक दिया हुआ है, वीडियो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। जी हाँ, भर्ती देखो का लिंक मैंने आप लोग को दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे आकर के सबसे नीचे आएंगे और यहाँ आने के बाद रिटर्न एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एसएसबी का रोल नंबर जो भी है आप लोग का और इसके अलावा अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हुए लॉग इन करते हुए आप लोग जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। जी हाँ, इस प्रकार का आप लोग का एडमिट कार्ड है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ आप लोग के रिटर्न एग्जाम के सिलेबस की। सिलेबस को लेकर के स्टूडेंट यहाँ पे परेशान है, सर सिलेबस की जानकारी दीजिए, हेड कांस्टेबल की माइनस मार्किंग है नहीं है, कितने क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, कितना समय का पेपर होने वाला है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे क्योंकि रिटर्न एग्जाम की डेट आप लोग को आ चुकी है। एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हैं आप लोग देखेंगे 914 आप लोग की टोटल पोस्ट थी, यहाँ पे पूरी पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है। जी हाँ, सिलेबस की जानकारी, फिजिकल वगैरह, और नीचे आने के बाद आप लोग को नोटिफिकेशन का लिंक दिया है। नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग का नोटिफिकेशन है और इसके अलावा मैं आप लोग को एडमिट कार्ड की भी जानकारी दे दूं। एडमिट कार्ड पे आप लोग को यदि डाउनलोड कर लिया है, नहीं किया है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 26 दिसंबर या 27 दिसंबर में आप लोगों का जब भी एग्जाम है, एग्जाम की डेट समय आप लोग को यहाँ पे दे दी है। जैसे 12:30 से 3:30 का एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर है। इसको लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, क्या सर 3 घंटे का पेपर है? बिल्कुल, आप लोग का 3 घंटे का पेपर होने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम यानी कि उपस्थित आप लोग को कब हो जाना है और कितने बजे आप लोग का गेट बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए, गेट बंद करने का जो टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इससे लेट आप लोग पहुंचेंगे तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। उपस्थित होने का समय यदि 11 का है, 11:30 भी पहुंचते हैं, 12 बजे तक भी पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत, लेकिन 12 बजे के बाद यदि आप लोग पहुंचेंगे तो आपकी एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो 12:30 से 3:30 आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा बाकी की डिटेल आप लोग को दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने, तो डॉक्यूमेंट कुछ लेकर नहीं जाना, आप लोग को आईडी प्रूफ लेकर जाना है, फोटो युक्त, जी हाँ, इसके अलावा पेन आप लोग ले लेंगे और अपना जो है फोटो, ये आप लोग का जो आईडी प्रूफ वगैरह दिया है इसके 2 कॉपी करा के आप लोग रख लेंगे। इसके अलावा कुछ और आप लोग को स्पेशल नहीं चाहिए। चलिए, अभी जो आप लोग की जानकारी दी जा रही है वो आप लोग को सिलेबस से रिलेटेड, तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके कर लेंगे। नोटिफिकेशन में ही आप लोग को पूरी डिटेल दी गई है आप लोग का क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो आप लोग के एडमिट कार्ड आए हुए हैं, ये एडमिट कार्ड आप लोग के आए हुए हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन एंड कम्युनिकेशन। तो हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन कम्युनिकेशन की जानकारी आप लोग को यहाँ पे दी जानी है। जी हाँ, सभी की इन्फॉर्मेशन है, सभी का सिलेबस यही है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नोटिफिकेशन पे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को पूरी डिटेल दी गई है। वैकेंसी आप लोग को पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन की 578 बहुत बड़ी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 15 वैकेंसी। तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन 578 वैकेंसी है। यदि आप लोगों ने इसका फिजिकल क्लियर किया है, रिटर्न एग्जाम आप लोग का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो तैयारी में आप लोग लग जाए। जी हाँ, इसके अलावा नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए थे साइंस स्ट्रीम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, या फिर आप लोग के पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से था तो आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। जी हाँ, इसमें नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोग को सिलेबस की जानकारी मिलने वाली है। तो नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं रिटर्न एग्जाम। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम की डिटेल है, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। तो कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फिजिकल, जिन्होंने पीईटी यहाँ पे पीटी पीएचटी क्लियर किया है, उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया गया है। तो यदि आप लोगों को भी रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया गया है, आप लोग जानकारी दीजिए और टेलीग्राम का लिंक दिया, उससे आप लोग जुड़िए ताकि आप लोगों को आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एंट्रेंस टेस्ट है आप लोग का 3 आवर्स। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लियर करो, 3 घंटे का ही पेपर है, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बननी चाहिए। आप लोग कन्फ्यूजन में है, सर 3 घंटे का पेपर है, बिल्कुल 3 घंटे का पेपर आप लोग का होने वाला है और 150 मार्क्स का आप लोग का पेपर होने वाला है। 150 क्वेश्चन ही आप लोग को आने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर है, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का पेपर होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टाइप कोई भी पेपर नहीं है।
कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का एग्जाम है, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आप लोग के आने वाले हैं, जिसमें कि आप लोग की इम्पोर्टेंट है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज की डिटेल आप लोग ले लेंगे, जनरल नॉलेज की जो भी बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़िए। इसके अलावा मैथ्स से रिलेटेड आप लोग का आएगा और रीजनिंग आप लोग की आने वाली है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में से आप लोग का कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना होगा। जी हाँ, आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर देना चाहेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन के आंसर देंगे, हिंदी के क्वेश्चन के आंसर देना चाहेंगे तो हिंदी के देंगे, कोई एक आप लोग को चूज करना होगा। इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट आप लोग का आने वाला है। फिर चाहे आप लोगों ने किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो, मैं आप लोग को बता दूं, कम्युनिकेशन के लिए किया हो, स्टीवर्ड के लिए किया हो, मैटनरी के लिए किया हो, इलेक्ट्रिशियन के लिए, किसी के लिए भी आप लोगों ने किया है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, आप लोग का सिलेबस यही रहने वाला है। जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश में से कोई एक और टेक्निकल सब्जेक्ट। यहाँ पे पार्ट वन जो आप लोग का होने वाला है, पार्ट वन पार्ट टू ऐसा नहीं है, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है, क्या सर अलग अलग पेपर होगा, क्या दोबारा से पेपर होगा पार्ट वन और पार्ट टू? जी नहीं, आप लोग का जो पेपर आएगा एक साथ ही आएगा, उसमें आप लोग का पार्ट वन पार्ट टू लिखा होगा, ठीक है। पार्ट वन में आप लोग का जो है यहाँ पे जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और जनरल हिंदी इंग्लिश आप लोग की हो गई, जो कि 50 मार्क्स की ही होने वाली है। और पार्ट टू आप लोग का जो होगा वो टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, 100 मार्क्स का आप लोग का यहाँ पे होने वाला है। टोटल पेपर आप लोग का 3 घंटे का है, ऐसा नहीं कि जीके, मैथ, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश आप लोग की 1 घंटे की और बाकी 2 घंटे की, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक पेपर आप लोग का होगा, उसमें पार्ट वन और पार्ट टू दिया होगा। अब आप लोग पार्ट वन करने में 1 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं या फिर आधे घंटे लगाएं, बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट करने में आप लोग के क्वेश्चन आप लोग करने में 2 घंटे लगाएं, 1 घंटे लगाएं, जितना भी लगाएं आप लोगों के ऊपर है। तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग का 3 घंटे का है, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व करें, 2 पार्ट आप लोग को दिए गए सिर्फ। तो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, यानी कि 100 नंबर का आप लोग का टेक्निकल है। जी हाँ, आप लोग का जो आप लोग का मीन्स ये रिक्रूटमेंट है, ये टेक्निकल ही है। तो टेक्निकल जाननी की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ भी हो, वेटनरी, स्टीवर्ड वगैरह। तो टेक्निकल 100 क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं, बाकी आप लोग के जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आप लोग करेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन एक नंबर का आप लोग का होने वाला। क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन 50% और इसी प्रकार से आप लोग का एससी एसटी से है तो 45% आप लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स है। यहाँ पे कट ऑफ आप लोग की बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, जी हाँ, इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। जल्दी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फाइनल मेरिट जो है आप लोग के रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही लगने वाली है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और रिटर्न एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं है, मींस आप लोगों ने जो मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों की कट ऑफ लगेगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टीवर्ट और वेटनरी के लिए आप लोग का जो सेकंड पेपर है, यानी कि पार्ट टू टेक्निकल क्वेश्चन जो आप लोग के होंगे, इसके बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टीवर्ड और वेटनरी, बाकी जो आप लोग का कम्युनिकेशन वगैरह का है, ठीक है, वो आप लोग का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। और इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टीवर्ड, वेटनरी के पार्ट टू के ही क्वेश्चन यहाँ पे, मीन्स इसी के बेस पे आप लोग की मेरिट बनने वाली है पार्ट टू के, जी हाँ। और आप लोग का टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दे दिया गया, यानी कि टोटल क्वालिफाइंग आप लोग को इतना चाहिए ही चाहिए। और मेरिट जो है आप लोग की कम्युनिकेशन वालों की पार्ट वन और पार्ट टू के बेस पे बनेगी, और बाकी जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह की जो दी गई, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वर्कशॉप, स्टीवर, वेटनरी, ये पार्ट टू के बेस पे आप लोग की मेरिट बनेगी। लेकिन जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आप लोग के आने ही चाहिए। इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। और स्किल टेस्ट में आप लोग को यहाँ पे 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें कि 60% पासिंग मार्क्स आप लोग को चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर का है ये, इसके नंबर आप लोग के जुड़ेंगे नहीं, जी हाँ, 30 नंबर आप लोग को यहाँ पे चाहिए इस ट्रेड टेस्ट को पास करने के लिए। इसके बाद आप लोग का यहाँ पे होने वाला है मेडिकल, मेडिकल में आप लोग के 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पे पास की बुलाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए, 3 घंटे का ही पेपर है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई है, माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आइए, टेलीग्राम से जुड़िए। आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को कमेंट करो, कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जांच पर रहूंगा। यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लाइक बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहें। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।